नमस्कार दोस्तों, श्री गंगानगर के श्री करणपुर से बड़ी खबर। दो तस्कर गिरफ्तार, 50 ग्राम चिट्टा बरामद। पुलिस ने गश्त के दौरान नशीले पदार्थों की तस्करी मामले में दो अलग अलग कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर 50 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने इस संबंध में कुलदीप उर्फ काकू पुत्र कालूराम निवासी वार्ड नंबर 6 श्री करणपुर और केवल राम पुत्र भिया राम चक 17 के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अलग अलग केस दर्ज किए हैं। थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार प्रजापत ने बताया कि 22 मार्च रात्रि गश्त के दौरान गसिमपुर की तरफ जाने वाली भारतमाला रोड के कट के पास एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। सगिंद व्यक्ति के कंधे पर बैग था, उससे पूछताछ की तो उसने फरार होने की कोशिश की। आरोपी को रोककर बैग की तलाशी ली गई तो थैली में 30 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपी की पहचान कुलदीप उर्फ काकू पुत्र कालूराम वाल्मीकि निवासी वार्ड नंबर 6 श्री करणपुर के रूप में की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने जानकार साहिल उर्फ काका उर्फ चुई पुत्र कमल कुमार वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि मंदिर के पास डब वाली हरियाणा से लेकर आया था। पुलिस ने आरोपी को चिट्ठे सहित गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया। मामले की जांच केसरी सिंहपुर थानाधिकारी जितेंद्र स्वामी करेंगे। पुलिस उपाधीक्षक संजीव चौहान ने बताया कि दूसरी कार्रवाई में थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार प्रजापत व ASI शिवलाल ने शनिवार सुबह गश्त के दौरान पदमपुर रोड पर मोड़ा गांव के आगे सड़क के किनारे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 20 ग्राम स्मैक बरामद की। आरोपी केवल राम पुत्र बियाराम नायक चक 17 का निवासी है। पूछताछ में केवल राम ने बताया कि उसे कुलदीप उर्फ काकू पुत्र कालूराम वाल्मीकि निवासी श्री करणपुर यह स्मैक देकर गया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि कुलदीप उर्फ काकू ने स्मैक की सप्लाई की थी, जबकि कुलदीप अपने जानकार साहिल उर्फ काका वाल्मीकि से स्मैक लाता है। ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे Facebook Instagram पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर, न्यूज, घटना, स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलता हूँ आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।